हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म गोलमाल 5 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी जल्द ही इंडियन पुलिस फोर्स के साथ अपना OTT डेब्यू करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच उन्होंने अपनी फेवरेट गोलमाल फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म के बारे में भी जानकारी दी है। दोस्तों वही रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि वह अजय देवगन के साथ गोलमाल 5 बनाने जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर बड़े पर्दे पर अजय देवगन और रोहित शेट्टी धमाल मचाते नजर आएंगे। दोस्तों वही आपको बता दें कि रोहित शेट्टी ने अजय देवगन के साथ सिंघम 3 बनाने का अनाउंसमेंट किया था। वही अब एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में रोहित ने कंफर्म किया है कि गोलमाल बनेगी। उन्होंने कहा है कि गोलमाल की शुरुआत सिंघम के ठीक बाद या शायद एक साल बाद शुरू हो सकती है। रोहित की माने तो गोलमाल बनाने में मजा आता है और जब तक वो हैं तब तक वह फिल्म बनाते रहेंगे। रोहित ने साझा किया है कि कोरोना के चलते गोलमाल को बनाने में देरी हुई है, अब सब कुछ ठीक हो गया है तो जल्द गोलमाल पर काम शुरू करा जाएगा। दोस्तों वही बात करें रोहित शेट्टी की तो वो इन दिनों अपने टीवी के फेमस रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में नजर आ रहे हैं। वो इस शो को पिछले कई सालों से होस्ट करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा वह इंडियन पुलिस फोर्स के साथ OTT की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार है। इंडियन पुलिस फोर्स से सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय नजर आने वाले हैं। दोस्तों डायरेक्टर रोहित शेट्टी और सुपरस्टार अजय देवगन की ये आने वाली अपकमिंग फिल्म, इनके रिलीज डेट पर देखना ना भूलिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी तमाम नई जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।